ये कहानी है नंदनवन के जंगल की, जहाँ सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो एक दूसरे के साथ ही अनाज की खोज करते और एक दूसरे के अंडों की निगरानी भी करते थे। लेकिन इस जंगल में एक कौवा और एक कवि भी थे। दोनों बहुत आलसी थे। कौवा और कवि या तो दूसरों से मांग कर खाया करते या चोरी करके खाया करते थे। चिंटू जी, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन आज तो तुमने दिन में 4 बार खाया है, फिर भी भूख लगी तुम्हें? आपकी नजर तो सिर्फ मेरे पेट पर ही होती है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को लगा दो। गोरी, तुम इतना खाओगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इसके लिए तो हमें चोरी करने के साथ साथ मेहनत के साथ कुछ काम भी करना होगा। अरे नहीं, मुझसे मेहनत नहीं होगी, और कुछ काम करूंगी तो मुझे और भूख लगेगी, तब मैं तुम्हारे हिस्से का भी खा जाऊंगी और तुम रहना भूखे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, देखता हूँ कहीं और से कुछ। इसके बाद कौवा खाने के इंतजाम यानी चोरी के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि आज ही कबूतर जंगल से कुछ अनाज के दाने चुनकर लाया है, और वह कबूतर के घोंसले में उन अनाज के दानों को चोरी करने के लिए चल पड़ता है, और उन अनाज के दानों को लेकर गोरी कवि को खाने के लिए दे देता है। उधर रोज़ रोज की चोरी से परेशान होकर कुछ पक्षी चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाने, हम मेहनत से फल और अनाज खोजकर लाते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें, लेकिन पता नहीं कौन चोर है जो हमारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज की चोरी से। सही कहते हो कबूतर भैया, हमें अब उस चोर को पकड़ना ही होगा। मुझे गोरी को भी और चिंटू को भी पर शक है। मैंने कई बार उन दोनों को चोरी छिपे दूसरे पक्षियों के घोंसले के आस पास आते जाते देखा है। टोनी, तुम सही कहते हो, शक तो मुझे भी है उन दोनों पर। मैंने भी उन्हें कई बार चोरी चोरी आते देखा है, लेकिन जब तक हम उन्हें चोरी करते ना पकड़ लें तब तक कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए गोरी चिड़िया, मेरे पास एक प्लान है। हम सभी पक्षी उनसे मिलने चलते हैं और उनसे बातों ही बातों में कहेंगे कि आज हमने अच्छे फल मिले हैं जिन्हें हमने अपने घोंसलों में छिपा कर रख दिया है। इसके बाद उन दोनों से दूसरे जंगल घूमने जाने के लिए कहेंगे। मैंने तो बड़े तोता से पत्थर के दो सेब भी बनाकर अपने घोंसलों में रख दिए हैं। इस योजना का समर्थन करते हुए सारे पक्षी योजना को सफल बनाने के लिए चल पड़ते हैं, और वो चिंटू कौवा और गोरी कवि के घोंसले पर जाते हैं। जब टूनी चिड़िया गोरी कवि और चिंटू कौवे को सारी बातें बताती है, और फिर जब उसे जंगल में जाने के लिए कहती है, तब गोरी कवि पेट में दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती है। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मन ही मन उन फलों को खाने के लिए तड़प उठती है। जब सारे पक्षी जंगल की ओर चले जाते हैं, तब गोरी कवि और चिंटू कौवा पक्षियों के घोंसलों की ओर जाते हैं और फल को खाने लगते हैं। जैसे ही वो फल को काटते हैं, उनकी चोट जख्मी हो जाती है और उनके चोंच से खून निकलने लगता है। तब सभी पक्षी वहाँ आकर, देखो दोस्तों, मैं नहीं कहती थी, हो ना हो यही दोनों चोर हैं जो आप हमारे मेहनत के फलों की चोरी करते हुए घायल हो गए हैं। मैं माफ कर दो टोनी, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, जंगल के पक्षियों, हमसे भूल हो गई, हम आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। हम अब अपनी मेहनत से भोजन की तलाश करेंगे और उसी से पेट भरेंगे, किसी और पक्षी के घोंसले में चोरी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो पक्षियों। तो दवा दे दो गौरी चिड़िया, तुम तो जंगल की वैद्य हो ना, देखो ना मेरी चोट में कितनी जलन हो रही है और खून भी निकल रहा है हम दोनों की चोंच से। ठीक है, दवा दे देती हूँ, लेकिन आगे से तुम लोग कभी चोरी मत करना, किसी और की मेहनत का फल कभी मत खाना। देखा दोस्तों,
चोरी या धोखे से हासिल की गई वस्तु आपको कभी भी सुखी नहीं रख सकती। वो कुछ समय के लिए आपको आनंद तो दे सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए वो आपको कष्ट ही देगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।